याद रखना आप ये बात। सर मस्जिदों पे तो खुदाई शुरू हो गई है, हमले किए जा रहे हैं, अगर गुरुद्वारे पे आ गया तो सिख समझ। देखिए एक छोटी सी बात याद रखिए, आज अगर ये मस्जिदों पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठन की कमी है। आज मुस्लिम लोगों की कमी नहीं है, ये संगठन की कमी है। संगठन क्यों बनते हैं आप ये बात बताइए। संगठन एक तो होती है, संगठन एक ताकत होती है, पर आज कोई मुस्लिम संगठन किसी मस्जिद के खिलाफ हमें रोडों पर नजर नहीं आता, मोर्चा खोलता नजर नहीं आता। आज वो सब लोगों को लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करके मोदी जी का विरोध करना चाहिए, पर अगर ये गुरुद्वारों के पर एक बात आ गई तो याद रखना मोदी जी संसद के बाहर से एक भी बीजेपी के निकलने का नेता का निकलने का रास्ता बंद कर देंगे। आप गुरुद्वारे की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, ये देश के वो शेरों की कौम है कि अगर आपने आंख उठाई तो आपकी संसद की जो इमारतें हैं उसकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो मुस्लिम धर्म संसद चल रहा है देवबंद के अंदर, उसमें मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमान के ऊपर जितना जुल्म हो जा रहा है हम सह लेंगे, लेकिन ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, ये कमजोरी है मेरे भाई, सहना इसको नहीं कहते। आप अगर आपको एक बार पता होनी चाहिए कि आप अगर जुल्म को सह रहे हो, ये तो आपकी मेरे ख्याल मेरे को लगता है हर धार्मिक किताब का हिस्सा होगा कि जुल्म को सहना को भी एक बहुत बड़ा पाप है। आज अगर आप जुल्म को बर्दाश्त करो तो ये भी एक बहुत बड़ा आपसे ध्रुव हो रहा है, जुल्म है। तो आज ये चीज समझने की जरूरत है कि मुस्लिम संगठन के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको ये डर है कि हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा, और इसलिए वो लगातार लोगों से शांति बनाने की बात करते हैं। अरे हम कौन सा कह रहे हैं मुस्लिम संगठन तलवार निकालो, हम कौन सा कह रहे हैं बम निकालो, अरे सड़कों पर तो निकलो, झंडे तो उठाओ हिंदुस्तान के, जगह जगह तिरंगा यात्रा तो निकालो, अपनी एकता का परिचय तो दो। हम तुम मुस्लिम संगठनों से ये नहीं कह रहे कि तुम तलवार निकालो, तुम बम उठा लो और मस्जिदों के सुरक्षा के लिए मारो जगह जगह, पर मस्जिदों की सुरक्षा के लिए धर्म गुरुओं को आगे आना पड़ेगा, सड़कों पे लेटना पड़ेगा, लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से विरोध करना पड़ेगा। गांधी जी की आत्मा उनके अंदर आनी चाहिए, मुस्लिम संगठनों के अंदर, तब देश की मस्जिद बचेगी, तब देश का भाईचारा बचेगा। पर वो मुस्लिम संगठन डरपोक है, उन मुस्लिम बड़े बड़े नेताओं को डरपोकी का खिताब देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का वोट काटने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। आज बड़े बड़े मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे कितने सारे बीजेपी के प्रवक्ता और नेता हैं जो बीजेपी को इंडायरेक्टली मुस्लिम संगठन सपोर्ट करते हैं। उस मुस्लिम संगठनों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से भाईचारे को बनाया जाता है, सड़कों पर उतरने की जरूरत है। सर ये जो चल रहा है मस्जिद को लेकर, ये आखिर बंद कैसे होगा? ये बंद ऐसे होगा जब मुस्लिम संगठन और हर आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये सभी धर्मों के लोगों को। आज बहुत सारे आपको पता होगा हिंदुस्तान के अंदर अगर 135 करोड़ की आबादी है तो उसमें 20-50 करोड़ वो भी लोग हैं जो सेकुलर सोच रखते हैं, उन सेकुलर सोच वाले लोगों को आपको साथ लेना पड़ेगा। ये सब मुस्लिम संगठनों को सड़कों पे मोर्चे खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये एक आत्मसम्मान की बात है। आज ये गुरुओं के आत्मसम्मान की बात है, तुम हमारे गुरुओं के आत्मसम्मान को पैरों तले रौंद रही हो। तुमने मोहम्मद साहब के बारे में बोला, कभी तुम सिख गुरुओं के बारे में बोलते हो, कभी तुम हिंदू गुरुओं के बारे में बोलोगे, ये क्या कर रहे हो मोदी जी? अगर बोलना है, अपना मुंह खोलना है आपके नेताओं को, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बताओ तुमने लॉकडाउन का 20,000 करोड़ रुपए जो हजम किया वो कहां गया। तुम ये जो बना